मैथ्स में हमने लास्ट क्लास क्या किया था, मैथ्स में हमने लास्ट क्लास अप्लाइड प्रॉब्लम्स देखा था मैक्सिमा एंड मिनिमा का, है ना, उसमें से चार क्वेश्चन किए थे। आज के क्लास में हम वही अप्लाइड क्वेश्चंस में से, मतलब अप्लाइड प्रॉब्लम्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा में और कैसा क्वेश्चन हमें मिल सकता है उन उसमें से कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लो ये क्वेश्चन गिवेन है, so that of all the rectangles inscribed in a given circle the square has the maximum area। मतलब क्या बोला है, अगर आपके पास एक सर्कल है, चाहे वो कोई भी सर्कल हो, कितना भी रेडियस का सर्कल हो, अगर उसके अंदर एक स्क्वायर रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड है, मतलब एक रेक्टेंगल अगर मैं उसके अंदर बनाऊं, सच दैट रेक्टेंगल के चारों कॉर्नर सर्कल के सर्कमफेरेंस को टच कर रहा होगा, देन प्रूफ करो जब उसका एरिया मैक्सिमम होगा तो वो जो रेक्टेंगल है वो क्या हो जाएगा, वो स्क्वायर हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा है प्रूफ करने के लिए, तो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो मान लो मैं एक सर्कल बनाता हूं, यहां पे डायग्राम को इग्नोर करना, मान लो एक सर्कल है, इसके अंदर मैं मान लेता हूं एक रेक्टेंगल ऐसे इंस्क्राइब्ड है। ठीक है, ये एक रेक्टेंगल है जो इसके अंदर इंस्क्राइब्ड है, ये मान लो उसका सेंटर हो गया सर्कल का ओ, ए बी सी डी, ये रेक्टेंगल हो गया। ठीक है, तो सॉल्यूशन पे आते हैं, और इसका जो सर्कल का जो रेडियस है मैं मान लेता हूं ए। ठीक है, लेट ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल, इंस्क्राइब इन द सर्कल of radius a, of radius a। ठीक है, मान लो a radius किसका है, सर्कल का है। अब मैं मान लेता हूं ab, लेंथ ऑफ ab मैं 2y मानता हूं, और लेंथ ऑफ bc मैं 2x मानता हूं। ठीक है, मतलब BC यहां से यहां तक का जो लेंथ है वो है 2x। अब ये अगर सेंटर है, यहां से मैं अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं, तो ये हमने सर्कल के प्रॉपर्टी में पढ़ा हुआ है, अगर मैं एक सेंट्रॉइड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं सेंटर, तो वो उसे दो इक्वल पार्ट में तोड़ता है, चाहे वो कुछ भी हो जाए। तो ये हो जाएगा हमारा x, और ये भी हो जाएगा x, होगा या नहीं होगा। और वैसे ही इधर से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं, तो ये हो जाएगा हमारा y और ये हो जाएगा y, क्योंकि मैंने इसका लेंथ AB का लेंथ 2y लिया हुआ है और BC का लेंथ 2x लिया हुआ है। यहां तक समझ में आया या नहीं आया? अब मैं अगर यहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूं, AB ये D E पॉइंट मान लो। ठीक है, A का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, A का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर होना चाहिए, या फिर a इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होना चाहिए। जो इसको ऐसे a के फॉर्म में नहीं, x y के फॉर्म लिखते हैं। इसमें से y अगर निकालूं तो y विल बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का रूट ओवर, ये होगा या नहीं होगा? मैं क्यों निकाला अभी पता चल जाएगा। ठीक है, अब क्या बोला है क्वेश्चन देखते हैं, एरिया मैक्सिमम है तो लेट एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया ऑफ एबीसीडी कितना हो जाएगा, 2y into 2x, तो a equal to कितना हो जाएगा, a क्या मैंने माना, एरिया माना, तो 4xy, ये हो जाएगा या नहीं होगा। और y equal to कितना आया है, a square minus x square का root over आया है, तो that will be equal to 4x into root over of a square minus x square, होगा या नहीं होगा? यहां तक समझ में आया या नहीं आया? अब यहां पे हम इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, एरिया को डिफरेंशिएट करते हैं, मतलब dA अपॉन dx निकालते हैं। तो dA अपॉन dx हमारा कितना हो जाएगा, dy dx ऑफ 4x into root over of a square minus x square, ये होगा। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 4 कांस्टेंट है बाहर आ गया,
अब यहां पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x, ये होगा या नहीं होगा? अब इसको मैं सॉल्व करता हूं, साइड में सॉल्व करके लिखता हूं, तो रूट ओवर ऑफ, तो वन बाय टू रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस टू एक्स, तो मतलब ये कितना हो जाएगा, माइनस एक्स बाय रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कौन से वाला पार्ट? ये वाला पार्ट का डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, फोर इंटू माइनस एक्स बाय ये होल में रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये होगा या नहीं होगा? अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो कितना आएगा, फोर इंटू रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये होगा या नहीं होगा? हाँ, यहां पे एक चीज छोड़ा हुआ है, ये एक्स स्क्वायर होगा, माइनस एक्स नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा। क्यों माइनस एक्स स्क्वायर होगा? क्योंकि पहले से एक एक्स था और इसके डिफरेंशिएशन पे भी एक एक्स माइनस एक्स न्यूमरेटर में आया हुआ था, तो माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो फोर इंटू ये हो जाएगा एक्स ए स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये होगा या नहीं होगा? अब क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट के लिए, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स डी ए बाय डी एक्स इक्वल टू जीरो, तो मतलब 4 इंटू ए स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो मतलब क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाय टू, तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बाय रूट टू, ये होगा या नहीं होगा? तो हमारा एक्स इक्वल टू क्रिटिकल पॉइंट कितना मिल गया, क्रिटिकल पॉइंट एक्स इक्वल टू ए बाय रूट टू मिल गया। यहां तक समझ में आया या नहीं आया? अब उसके बाद हमें क्या करना था, उसके बाद हमें डी स्क्वायर ए बाय डी एक्स स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो हम पहले उसको निकालते हैं, क्या नाउ डी स्क्वायर ए बाय डी एक्स स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, डी बाय डी एक्स ऑफ फोर इंटू ए स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये होगा। क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं, डी बाई डी एक्स ऑफ फोर इंटू ए स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर वन बाय टू लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? ओ माइनस वन बाय टू लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? डिनोमिनेटर से ऊपर ले लिया पावर के फॉर्म में, क्वेश्चन के फॉर्म में इसलिए नहीं रखा, क्वेश्चन के फॉर्म में, अगर क्वेश्चन के फॉर्म में भी डिफरेंशिएट करते हैं तो आंसर सेम आता, लेकिन प्रोडक्ट रूल इजी होता है, क्वेश्चन रूल लगाते लगाते गलती कर दिए तो हो गया कल्याण। तो फोर कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, अब यहां पर ए स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर ये बाहर रहा, डी बाई डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर माइनस वन बाय टू प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर माइनस वन बाय टू इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर,
ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, 4a² - 2x² इंटू इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा -1/2 पावर में 1/2 -1/2 -1 -3/2 तो ये हो जाएगा a² - x² - 3/2 इंटू d by dx of a square minus x square तो यहां पे चेन रूल लगाया मैंने तो क्या हो जाएगा इंटू -2x ये हो गया प्लस a² - x² - 1/2 इंटू डी बाई डी सो -2 × 2 = 4x ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा a² - 2x² ये माइनस माइनस प्लस हो गया ये 2 से ये 2 गेट्स कैंसिल तो बचा कितना x² - x² - 3/2 प्लस a² - x² - 1/2 इंटू -4x तो 4x इधर रखा और इधर मैंने माइनस कर दिया इतना होगा या नहीं होगा। अब क्या करते हैं d² a/dx² के जगह पे हमें क्या पुट करते हैं x के जगह पे a/√2 पुट करना है ना a/√2 पुट करना है तो पुट करते हैं अगर आप d² a/dx² वेल x इक्वल टू a/√2 अगर पुट करोगे तो हर x के जगह पे a/√2 पुट करोगे तो आपको यहां पे मिलेगा आंसर -16 ठीक है ये आपको आंसर मिलेगा आप चाहो तो सॉल्व करके देख सकते हो ठीक है। वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए क्लास ज्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैं लिख दे रहा हूं अगर चाहो तो घर पे सॉल्व करके डाल के सॉल्व कर सकते हो -16 विच इज लेस देन 0 तो देयरफॉर ये क्या हो गया द एरिया इज मैक्सिमम यहां पे हम एरिया को मैक्सिमम प्रूफ कर दिए ठीक है। लेकिन एरिया मैक्सिमम प्रूफ हो गया वो तो ठीक है लेकिन क्या बोला था वो जो रेक्टेंगल होगा वो स्क्वायर होना चाहिए ये बोला था तो अब क्या करना है। अब देखो पाइथागोरस थ्योरम में मतलब जब स्टार्टिंग में हमने एक वैल्यू निकाला था y इक्वल टू क्या था रूट ओवर ऑफ a² - x² ये निकाला था। अब इस इक्वेशन में x के जगह पे a/√2 डाल दो तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा या y² = a² - x कितना है a/√2 तो x² कितना हो जाएगा a² / 2 तो ये कितना हो जाएगा 2a² - a² / 2 तो y² = कितना हो गया a² / 2 तो y = कितना आ गया a/√2 ये आ गया। तो x का वैल्यू कितना हो गया a/√2 और y का वैल्यू कितना हो गया a/√2। अब x और y का वैल्यू अगर सेम है तो जाहिर सी बात है ये जो 2x और 2y का वैल्यू भी सेम होगा और अगर 2x और 2y का वैल्यू सेम हुआ तो मतलब इसके अंदर जो रेक्टेंगल हमने लिया हुआ है वो क्या हो गया x² हो गया। देयरफॉर द रेक्टेंगल या फिर आप ऐसे भी दिखा सकते हो AB इक्वल टू कितना लिए थे 2y तो 2 × 2a/√2 विच इज इक्वल टू √2a और BC इक्वल टू कितना लिए थे 2x विच इंप्लाइज 2 × a/√2 विच इज इक्वल टू √2a तो लेंथ हो गया आपका AB और BC लेंथ और ब्रेथ इक्वल देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं देयरफॉर इट इज ए स्क्वायर ठीक है। और यही प्रूफ करना था समझ में आया या नहीं आया।
चलो इसको लिख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। चलो अब तुम लोग बोलोगे सर ये सो वाले क्वेश्चन जो कि प्रूफ वाले क्वेश्चन है वो तो एग्जाम में हमारे इस साल आएंगे नहीं, एमसीक्यू फॉर्म में आएंगे। तो एमसीक्यू फॉर्म में भी ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे ये क्वेश्चन बोला है, क्या बोला है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट सिलेंडर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आर के जगह पे कुछ वैल्यू दे सकता है, बन जाएगा एमसीक्यू। या फिर हो सकता है व्हाट क्वेश्चन ऐसे दे दे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ इज द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट सिलेंडर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस समथिंग, उसका दे दो वैल्यू। तो अगर कॉन्सेप्ट पता ना हो कैसे करना है तो नहीं कर पाओगे, ठीक है, और वहां पे आप तुक्का तो मार नहीं सकते, तो क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन पे आते हैं, पहले डायग्राम बनाते हैं। मान लो आपके पास एक स्पीयर है, ये हो गया स्पीयर, और इसके अंदर एक लार्जेस्ट सिलेंडर है, तो लार्जेस्ट सिलेंडर कैसा होगा, ऐसा कुछ होगा है ना, ये मान लो लार्जेस्ट सिलेंडर हो गया, अब ये हो गया स्पीयर का सेंटर हो, और यहां से यहां तक स्पीयर का रेडियस गिवन है स्मॉल आर, ठीक है। मैं यहां पे मान के चलता हूं जो सिलेंडर का रेडियस है वो सिलेंडर का बेस का रेडियस है वो कैपिटल आर है, और जो हाइट ऑफ द सिलेंडर है वो मैं मान के चलता हूं एच है, ठीक है। तो यहां पे लेट द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू एच, और रेडियस ऑफ बेस इज इक्वल टू कैपिटल आर, ठीक है, ये मैं मान के चलता हूं। अब यहां पे ओ बी और इसको मैं सी ले लेता हूं, ठीक है, तो ये हो गया आर, ये हो गया स्मॉल आर, और यहां से ये हो जाएगा एच बाई टू और ये हो गया एच बाई टू, ठीक है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ओ बी सी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस एच बाय टू का होल स्क्वायर का रूट ओवर होल स्क्वायर, तो कैपिटल आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर माइनस एच बाय टू का होल स्क्वायर का रूट ओवर, ये हो जाएगा। चलो अब ये तो हो गया रेडियस हम निकाल लिए, अब वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या होता है उसको मैक्सिमम करना है ना, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर कितना हो जाएगा, वॉल्यूम फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का, कितना होता है पाए आर स्क्वायर एच, तो पाए कैपिटल आर स्क्वायर एच, ये होगा, यहां से मैं ये रूट ओवर हटा देता हूं और इधर आर स्क्वायर रखता हूं, तो आर स्क्वायर इक्वल टू कितना है, इतना वैल्यू है, तो मैं क्या पुट करता हूं, v इज इक्वल टू पाए इंटू स्मॉल आर स्क्वायर माइनस एच बाय टू का होल स्क्वायर इंटू एच, ये होगा, होगा या नहीं होगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, पाए मल्टीप्लाई करो पाए और h, तो पाए आर स्क्वायर h माइनस पाए एच क्यूब बाय फोर होगा या नहीं होगा। अब देखो मुझे क्या मैक्सिमाइज करना है, वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना है, अब वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना है किसके रेस्पेक्ट में, हाइट के रेस्पेक्ट में, देखो जो इंस्क्राइब इन द रेडियस ऑफ आर ये है ना, हाइट के रेस्पेक्ट में, तो मुझे अभी क्या निकालना है, मुझे अभी निकालना है डीवी बाय डीएच, इस फॉर्म में निकालना है, तो कितना हो जाएगा डी बाय डीएच ऑफ पाए आर स्क्वायर एच माइनस पाए एच क्यूब बाय फोर, ये हो जाएगा। अब अगर हम देखें पाए कांस्टेंट है, रेडियस ऑफ द स्पीयर आर वो भी कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा पाए आर स्क्वायर डी बाई डी एच ऑफ एच वन माइनस पाए बाय फोर कांस्टेंट है बाहर आ गया इंटू एच क्यूब का डिफरेंशिएशन थ्री एच स्क्वायर
तो ये कितना हो गया, देयरफॉर डीवी बाई डी एच मेरा कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर माइनस 3/4 पाई एच स्क्वायर, ये होगा या नहीं होगा। अब क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, तो क्रिटिकल पॉइंट मतलब पाई आर स्क्वायर माइनस 3/4 पाई एच स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो मतलब क्या हो जाएगा, 3/4 पाई एच स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, तो पाई पाई गेट्स कैंसिल, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4r² / 3, तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2r/√3, ये होगा या नहीं होगा। हमारा ये क्रिटिकल पॉइंट आ गया, क्रिटिकल पॉइंट। अब क्या निकालना है, अब निकालते हैं d²v/dh² मतलब d/dh ऑफ पाई आर स्क्वायर माइनस 3/4 पाई एच स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब देखो पाई आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, तो d/dh ऑफ ये कितना हो गया, 0, माइनस इधर 3/4 पाई कॉन्स्टेंट है, तो 3/4 पाई बाहर, ए स्क्वायर का 2h, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 3/2 पाई इंटू एच, ये होगा या नहीं होगा। क्या है, अब निकालते हैं d²v/dh² व्हेन h इज इक्वल टू कितना, 2r/√3, तो यहां पे पुट कर दो, तो माइनस 3/2 इंटू पाए इंटू 2r/√3, ये हो जाएगा, तो 2 गेट्स कैंसिल और ये हो गया √3, तो -√3 पाए इंटू आर, ये होगा, और यहां पे नेगेटिव है तो मतलब लेस देन 0, तो क्या हो गया, ये वॉल्यूम जो हो गया वो मैक्सिमम हो गया। देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूं, द वॉल्यूम इज मैक्सिमम व्हेन हाइट ऑफ द सिलेंडर h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2r/√3, ये होगा। यहां तक समझ में आया या नहीं आया। हमने यहां पे एक इक्वेशन निकाला था, कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना था, स्मॉल आर स्क्वायर माइनस h/2 होल स्क्वायर। अब h का वैल्यू यहां पे डाल दो, तो कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस 2r/√3 होल स्क्वायर, 2r/√3 इंटू 1/2 होल स्क्वायर, तो ये और ये गेट्स कैंसिल, तो कितना हो गया, स्मॉल आर स्क्वायर माइनस r² / 3, तो ये कितना हो जाएगा, 2r² / 3, तो कैपिटल आर मुझे कितना मिल गया, आर स्क्वायर, कैपिटल आर या रेडियस ऑफ द सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर मुझे कितना मिल गया, √2/3 इंटू आर, ये मिला, रेडियस ऑफ द सिलेंडर मिल गया और हाइट ऑफ द सिलेंडर मिल गया, तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर कितना हो जाएगा, मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट सिलेंडर ना, तो यहां पे हाइट ऑफ द सिलेंडर मिल गया, रेडियस ऑफ द सिलेंडर मिल गया, अब मुझे क्या निकालना है, मुझे वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर निकालना है, तो यहां पे लिखा हुआ है, बस वैल्यू पुट करना है, तो क्या हो जाएगा, पाई इंटू डायरेक्ट डालो 2/3 आर स्क्वायर इंटू एच के जगह पे 2r/√3, ये हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 4πr³/3√3, ये आएगा या नहीं आएगा। तो देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट सिलेंडर इन ए स्पीयर जिसका रेडियस स्मॉल r है कितना होगा, 4πr³/3√3। अब एमसीक्यू में ऑप्शन में इसी तरह के चार ऑप्शन दे दिए होंगे और बोला होगा एक को टिक करो,
ऐसे सॉल्व करना आता होगा तभी तो जाके ऑप्शन मार सकोगे। तो ये मत सोचना कि एमसीक्यू क्वेश्चन है तो ऐसे क्वेश्चन नहीं डाले जा सकते, कुछ नहीं बोल सकते। अभी पैटर्न पूरा अलग है, कुछ भी क्वेश्चन डाल सकते हैं, कुछ भरोसा नहीं है। तो हर टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओ, ठीक है, इसको लिख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। चलो मान लो ये क्वेश्चन गिवन है, अब ये क्वेश्चन देख के बोलो सर इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन क्या करें। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले डायग्राम बनाने की कोशिश करना, डायग्राम बनाओगे तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ जाएगा कि आपको करना क्या है। देखो क्या गिवन है, लेट ए पी एंड बी क्यू बी टू वर्टिकल पोल्स एट पॉइंट ए एंड बी। चलो मान लो ये एक पॉइंट हो गया ए, ये एक पॉइंट हो गया बी। इफ ए पी इज 60 सेंटीमीटर, ए पी ये हो गया पी, ये हो गया 16 मीटर एंड बी क्यू इज 22 मीटर, मतलब ये हो गया बड़ा वाला ये क्यू 22 मीटर, ठीक है, एंड ए बी इज 20 मीटर, ये जो टोटल डिस्टेंस है ये 20 मीटर है। देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट आर फ्रॉम ए बी ऑन ए बी फ्रॉम द पॉइंट ए, मतलब ए से एक पॉइंट आर निकालो, ए से एक दूरी जो कि पॉइंट आर, सच दैट आर पी स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर, आर पी स्क्वायर और आर क्यू स्क्वायर का सम, ये वाला इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का सम मिनिमम हो और ये आर पॉइंट मुझे निकालना है। तो लेट ए आर जो डिस्टेंस है मैं उसको एक्स ले लेता हूं, तो यहां से यहां तक का आर बी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 20 माइनस एक्स होगा या नहीं होगा। अब अगर यहां पे हम पाइथागोरस थ्योरम डाले, अगर मैं यहां पे पाइथागोरस थ्योरम डालू, सॉल्यूशन पे आते हैं, इन ट्राइंगल इन ट्राइंगल पी ए आर, अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम डालू तो पी आर स्क्वायर मेरा कितना हो जाएगा, पी आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, ये होगा या नहीं होगा, या पी आर बोलो आर पी बोलो कुछ भी बोलो, चलो आर पी ले लेते हैं, आर पी स्क्वायर। वैसे ही इन ट्राइंगल क्यू बी आर, आर क्यू स्क्वायर मेरा कितना हो जाएगा, यहां पे पाइथागोरस थ्योरम डालेंगे तो 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर होगा या नहीं होगा। अब इन दोनों का सम को मिनिमम दिखाना है तो इन दोनों को सम करते हैं पहले, तो आर पी स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर प्लस, इसको अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 400 प्लस एक्स स्क्वायर 2 × 40x माइनस 40x प्लस 22 का स्क्वायर, ये हो गया 22 का स्क्वायर 484 और इधर 16 का स्क्वायर 256, तो एक्स स्क्वायर प्लस 256 प्लस 400 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 484 है ना। अब ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 40x 256 प्लस 400 प्लस 484, ये हो जाएगा 1140 प्लस 1140, ठीक है। तो आर इसको मैं आर पी स्क्वायर प्लस आर पी स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर को मैं जेड ले लेता हूं, तो जेड मुझे कितना मिल गया, 2x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 1140। अब मुझे क्या निकालना है, डी जेड बाई डी एक्स, तो डी जेड बाई डी एक्स मेरा कितना हो जाएगा, 2 × 4x
माइनस 40, ये हो जाएगा। और डी स्क्वायर जेड बाई डी एक्स स्क्वायर मेरा कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 4, ये हो जाएगा। अब क्रिटिकल पॉइंट के लिए, क्रिटिकल पॉइंट के लिए 4x माइनस 40 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, ये होगा या नहीं होगा। तो डी स्क्वायर जेड बाई डी एक्स स्क्वायर एट x इक्वल टू जेड, सॉरी x इक्वल टू 10 कितना हो जाएगा, वही 4, क्योंकि यहां पे कोई वैल्यू नहीं है जो कि क्या है, ग्रेटर देन 0। देयरफॉर जेड या आर पी स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर इज मिनिमम व्हेन x इज इक्वल टू 10। तो x इक्वल टू जब 10 होगा तो ये मिनिमम होगा। तो अब क्या करना है, x का वैल्यू मुझे मिल गया 10, तो अगर x इक्वल टू 10 हुआ तो आर बी कितना हो जाएगा, अगर ए आर इक्वल टू 10 हुआ तो आर बी मेरा कितना हो जाएगा, 20 माइनस 10 तो 10 मीटर। तो R कहां पे होना चाहिए, R AB के मिड पॉइंट पे होना चाहिए। देयरफॉर ये वही तो पूछा है, फाइंड द डिस्टेंस, अच्छा डिस्टेंस पूछा है ना, तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट R ऑन AB फ्रॉम द पॉइंट A, तो A से कितने दूरी पे होना चाहिए, x लिए थे 10 मीटर के दूरी पे होना चाहिए, वही निकालना था। समझ में आया, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इन टर्म्स ऑफ MCQ, ठीक है, समझे या नहीं समझे। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको इस टॉपिक में से मिल सकते हैं। अब उतना सारा क्वेश्चन मैं करवाने का उतना टाइम नहीं है, और अगर मैं उसको करवाने जाऊं तो कोर्स खत्म नहीं होगा। तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, अगर कोई भी डाउट होता है तो पूछना, ठीक है, तो मैं वो आपको समझा दूंगा। तो इसी के साथ आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो टॉपिक है वो आपका खत्म होता है। तो कैलकुलस में हमने दो चीजें पढ़ ली है, एक हो गया डिफरेंशिएशन सीख लिया, कंटिन्यूटी सीख लिया, डिफरेंसिबिलिटी सीख लिया, और दूसरा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मैक्सिमा मिनिमा सीख लिया, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन सीख लिया, और टेंजेंट और नॉर्मल सीख लिया, जो कि आपके सिलेबस में था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास हम और एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। होप आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है या फिर आपका कोई भी फीडबैक है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं अपने आप को सुधारने की कोशिश करूंगा और आप लोगों के लिए और अच्छा अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश करूंगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं आपके पढ़ाई के रिलेटेड कंटेंट रेगुलरली अपलोड करता रहता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट, जमकर पढ़ाई करते रहिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।